दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है लता भीलवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से और मेरी तैयारी हो गई है इसी के साथ अपनी ननद के घर पर जाने की। और आज मैं अपनी नई वाली बाइक पर जा रही हूँ, पहली बार अपनी नई बाइक पर बैठूँगी रोशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जल्दी से। दोस्तों, ये रही हमारी बाइक और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी बाइक पे पहली बार रोशन के साथ। वैसे तो मैं 2-3 बार चली गई हूँ, लेकिन ब्लॉग में अभी जाऊंगी। अच्छा, रहते थे। दोस्तों, हम जा रहे हैं अपनी बाइक पे और पहली बार हम लोग बाइक पे जा रहे हैं मेरी ननद के घर पे। और हम 3-3 लोग बैठे हैं बाइक पे। रिएक्शन चेक करो। निकाल दे, निकाल नीचे, नीचे निकाल दे, निकाल दे। मैं तो पतला हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत भी आ रही है, पतला इंसान। अरे दे दे दे, दिक्कत आ रही है मुझे पीछे वाले को। जब 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 ब्रेकर आ रहा है, ब्रेकर में क्या कहते हैं गाड़ी चल रही है ना, तो पीछे वाले को तो दिक्कत आ रहा है, दिक्कत आती है। मम्मी कैसा लग रहा है? बाइक चला रहा सही है। मैं पतला, तभी कहते कि पतला इंसान सही होता है। पतला इंसान टाइम पे एक एक देखो, ये देखो दोनों मोटो इंसानों ने मुझे दबा दिया गाइस। हड्डियां चट 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 कर रही है। और अब दीदी के घर पे जाने वाले हैं दोस्तों, पहुंचने वाले हैं। बस पहुंच गए हैं दीदी मार्केट में और यहाँ से जाएंगे हम गट्टा कॉलोनी जो कि सामने ही है अभी तक।
देखिए गड्ढा कॉलोनी पहुंच गए हैं। यहाँ की रोड में से थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं। और जिस दिन से दोस्तों बाइक ली थी उस दिन से दीदी है वहाँ, मैंने कहा बाइक देखी नहीं है। दोस्तों इस कॉलोनी में कितनी गंदगी फैला रखी है रोड के किनारे पे, बहुत ज्यादा कूड़ा वगैरह सब लोगों ने यहीं पे डाल दिया है। तो अब दीदी और मामा को बाइक दिखाते हैं, उन्होंने बाइक देखी नहीं है, हैं? मामा शायद मामा होंगे, मामा नहीं है। दीदी और भांजों को बाइक दिखाते हैं, हमारे भांजा कहते हैं कि भाई लोगों को और उन्हें देखी नहीं है करके, एक ने तो वो रहा बैठा सामने, पहचान भी नहीं पा रहा, अब उठ गया है, पहचानते पहचानते आ गया है। ये जय हालत खराब दिख रहे हैं। देख लो दोस्तों ऐसा होता है। तो ये चल पड़ा भाई के साथ, चल आराम जाते अंदर। नमस्ते। बढ़िया, लेके पहुंच गए हम मेरी ननद के घर पे और ये रही हमारी बाइक। और दीपक को देखो, दीपक तो बाइक के चक्कर में सूरज को नमस्ते करना भी भूल गया। काम कर रही है, क्या बनाते हो इसे? ये कंपनी का माल है। अच्छा अच्छा, कंपनी का। अच्छा जो लड़की करती है काम। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम तो पहुंच गए हैं यहाँ और मेरे पतिदेव जी ड्यूटी से आए होंगे तो वो घर से चले गए हैं और चाबी मैं अपने साथ ही लेके आ गई हूँ। तो अभी मैंने उनको फोन कर दिया है कि आप ये भी आ जाओ, देखते हैं कब तक आते हैं। और यहाँ पे देखिए नल लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरी ननद लोग आराम से धो लेते हैं, अच्छी खासी खुली जगह है यहाँ पे। कितना दूर का वो, ये घूम रहे हैं जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, तब से बाइक को बिल्कुल आराम नहीं दे रहे। सूरज का गाय दोस्तों, मैं बैठी हूँ आंटी के साथ थोड़ी देर और आंटी यहाँ पे काम पे लगी थी तो मैं देख रही हूँ आंटी कैसे करती है। ऐसे ये मुझसे नहीं हो रहा है, इतना बारीक काम कर रही है आंटी। ये देखिए देखा है ये कुछ ये मतलब देखो अलग धरे कपड़ा होगा, ये कंपनी का काम होगा। आदत है ना मुझे, अभी फिसल रहा ना ये फ्लैश रहे हो थोड़ा सा, काली मिर्च लगा दे जला लाए। नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आए हुए हमें काफी टाइम हो गया है, चाय पानी हमने सब पी लिया है और थोड़ी देर बैठे हैं। रोशन गया है खेड़ा कुछ सामान लेने और उसके बाद में लेने घर पे। और अभी यहाँ पे हमारे दूसरी चाय बनने लग गई है यहाँ पे। और यहाँ पे दीपांशु की ट्यूशन वाली बच्ची भी आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दूसरी चाय भी बनके आ गई है, गर्मा गर्म चाय पीते हैं और उसके बाद जाते हैं घर। अभी हमारा प्लान कैंसिल हो गया है और अब हम यहाँ से खाना खा के जाएंगे रात को। तो खाना बनने लग गया है, मछली वगैरह लाए हैं हम लोग, तो आज मछली बनाएंगे और खाना खा पी के जाएंगे घर पे। तो चलिए खाना बनता है जब तक इंतज़ार कर लेते हैं। ये दोनों देखिए नीचे बैठे हैं और ये यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं। ननद जी खाना बना रही है और मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं फिर से अपने घर के लिए और बहुत टाइम लग गया था खाना वाना बनाने में, खाने में तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई मैं वहाँ की। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं अपने।
पहुंच गए हैं और खा पी के तो हम वहीं से आ गए थे खाना खा के, और अब थकान भी लग गई है बहुत, नींद भी आ रही है, तो अब सो जाते हैं और